ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी बार का नहीं बल्कि बिना लाइसेंस चलाए जा रहे बीजेपी नेता के रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट में शराब और शबाब दोनों का जबरदस्त नजारा देखा जा सकता है। इस रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब धड़ल्ले से परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, शराब के कॉम्बिनेशन को पूरा करने के लिए विदेशी बलाओं के ठुमकों का सहारा भी लिया जा रहा है। वीडियो में लोग शराब और शबाब के नशे में किस तरह चूर हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बता दें कि जिस वक्त लोग शराब और शबाब के नशे में डूबे हुए थे, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के स्तर से शराब और शबाब का नशा एक मिनट में उतर गया। जी हां, गाजियाबाद और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सब के मजे को सजा में बदल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को धर दबोचा। बता दें कि रेस्टोरेंट का मालिक बीजेपी युवा मोर्चा महानगर कोषाध्यक्ष हैं, जो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल बीजेपी के युवा मोर्चा महानगर कोषाध्यक्ष संयम कोहली गाजियाबाद के कबीनगर थाना क्षेत्र के पौश इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता है। नाम के लिए तो ये रेस्टोरेंट ही है, लेकिन इसकी आड़ में शराब का गोरख धंधा भी चलाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को खाने के साथ साथ शराब का भी पूरा जायका परोसा जाता है। इतना ही नहीं, उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल इस रेस्टोरेंट में रखा जाता है, जिसके लिए विदेशी बालाओं को यहां नचाया जाता है। जब रेस्टोरेंट की जांच की गई तो पता चला कि रेस्टोरेंट संचालक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब पिला रहा था। मामले में एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कबीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। ये कल थाना कबीनगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि आरडीसी स्थित एक फूड कैफे में बिना किसी लाइसेंस के अवैध शराब परोसी जा रही है। उक्त तो सूचना पर थाना कबीनगर पुलिस ने आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पे चेकिंग की, तो इस दौरान ये सूचना सत्य पाई गई। वहां बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी तथा धारा 144 प्रभावी रहते हुए भी बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। उक्त के संदर्भ में जो उस परिसर के मालिक हैं संयम कोहली, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जानकारी मिल रही है कि वहां पे फैमिली खाना खाने के लिए आती थी और फैमिली ने ही शिकायत वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई और वहां पर कुछ डांस का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा था, जिसके लिए भी अनुमति नहीं थी। हाँ, उस संबंध में भी जो कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी उस संदर्भ में भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का गोरख धंधा चलाने की हिम्मत संयम कोहली में कहां से आई। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि दूसरों पर सवाल खड़े करने वाली केंद्र और राज्य की सरकार आखिर अपने ही नेता पर किस तरह का एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।